एक देश जिसने आर्थिक युद्ध अपराधी कहा है, उसने भारत के लोकतंत्र और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हंगरी मूल के अमेरिकी कारोबार जॉर्ज सोरोस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो भारत के खिलाफ लंबे समय से एजेंडा चला रहे हैं। असल में जॉर्ज सोरोस उस शख्सियत का नाम है जिसने यहाँ तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का भी खुलकर विरोध किया है। उनका हालिया बयान गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर है। उन्होंने कहा कि अडानी का PM मोदी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए हैं। BJP ने इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने पार्टी की ओर से मोर्चा संभालते हुए जॉर्ज सोरोस पर हमला बोला। उन्होंने सोरोस के बयान को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में दखल देने की कोशिश बताई है। आइए जानते हैं कि कौन है कथित तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वो सटोरिए शेयरों के निवेशक और व्यापारी हैं। हालांकि वो खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। हालांकि उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहता है। उन पर दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ लेकर पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने के गंभीर आरोप लगते रहते हैं। उन्होंने कई देशों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की। यही कारण है कि यूरो अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगा दी गई। वहीं जॉर्ज सोरोस ने 2004 में जॉर्ज W. बुश को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए भारी चंदा दिया था। उन्होंने ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क यानी कि OSUN नाम की संस्था की स्थापना की और उस पर $100 अरब खर्च करने का वादा किया। इसे दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए स्टडी और रिसर्च का प्लेटफॉर्म बताया जाता है। ताकि ये कितना समावेशी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोरोस ने इसकी स्थापना ये कहते हुए की कि वह दुनिया भर के तानाशाहों से निपटने के लिए इसकी स्थापना कर रहे हैं। सोरोस ने 2020 में ये भी बताया कि उनकी नज़र में दुनिया के तानाशाह कौन कौन है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोश में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी गिनाया था। उन्होंने कहा था कि ये सभी लोकतंत्र का गला घोंट कर तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ट्रंप को उन्होंने ठग और आत्ममुग्ध, जबकि पुतिन को तानाशाह शासक कहा था। सोरोस ने यह भी कहा था कि जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा तोड़कर सत्ता की पूरी कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया को बर्बाद करने वाला व्यक्ति जो आर्थिक युद्ध अपराधी घोषित है, भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का सपना देख रहा है। उन्होंने कहा जॉर्ज सोरोस कई देशों के खिलाफ शर्त लगाते हैं और अब भारत की लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को बाधित करने की अपनी दुर्भावना जाहिर कर चुके हैं। स्मृति बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने की जो बात कर रही हैं, वह साल 1992 की घटना है। ब्रिटेन को वर्ष 1992 में ब्लैक वेडनेसडे का सामना करना पड़ा था, जिसमें सोरोस ने $1 अरब कमाया था। बहरहाल BJP ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी जॉर्ज सोरोस के गौतम अडानी पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि गौतम अडानी को लेकर संसद में क्या पूछा जाएगा या सड़क पर, ये हम तय करेंगे। इससे जॉर्ज सोरोस को दूर रहना चाहिए।